क्या उद्घाटन किया गया है? देखिए, पिछले कई सालों से मुजफ्फरनगर में पहले ए टू जेड एक कंपनी थी, उसको कूड़ा निस्तारण का काम दिया गया था। कई वर्ष पूर्व कंपनी यहाँ से भाग चुकी है, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पूरे मुजफ्फरनगर में कई सालों से कूड़े के ढेर इकट्ठे होते जा रहे थे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो पूरा आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए एक समस्या भी थी, स्मेल भी थी और एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आज इसकी शुरुआत हुई है, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है CNDS नगर पालिका एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी उसके बीच में। 5 महीने में शायद 2.5 लाख टन के करीब है कूड़ा, 2.25 लाख टन कूड़ा है। ये कंपनी 5 महीने में इस कूड़े का पूर्ण रूप से निस्तारण करेंगे। मुझे उम्मीद है बहुत सालों से हम कोई कामयाब प्रोजेक्ट नहीं दे पाए, हमने जब जब प्रयास किए कूड़ा निस्तारण के हमेशा ज़्यादातर हमारे फेल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो नई कंपनी है ये समयबद्ध तरीके से 5 महीने के अंदर इस पूरे कूड़े का निस्तारण भी करेगी और भविष्य में जो और कूड़ा जनरेट होगा उसके लिए भी या तो इस कंपनी से व्यवस्था होगी या दूसरी कंपनी से, तो कम से कम इस जो एक ये बहुत बड़ी समस्या है मुजफ्फरनगर शहर की उससे छुटकारा कहीं ना कहीं मिलने का काम होगा। नगर में गंदगी नहीं रहेगी कहीं भी? आप नगर की गंदगी अलग बात है, नगर में गंदगी जब सब होगी, जब चेयरमैन साहब, EO साहब और सारे सभासद ये मिलकर नगर में काम करेंगे। हाँ, कूड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे जो कूड़े का ढेर है। नगर में काम होना बहुत जरूरी है। जब से नई सरकार बनी है, नए मंत्री AK शर्मा, उनका फोकस लगा है सफाई में, सुबह से काम होना शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा कि मुजफ्फरनगर की नगर पालिका जिसमें सभी लोग हैं चुने हुए भी और सरकारी भी, ये सब लोग भी सरकारी भाव को देखते हुए काम करें। मान लीजिए हनुमान चालीसा को लेकर जगह जगह विरोध चला महाराष्ट्र में, खास कर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो नहीं है ना, ठीक है।